हेलो स्टूडेंट्स, हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा था कल के वीडियो में। आज हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ओके पढ़ते हैं। सम एडजेक्टिव्स टेल अबाउट द साइज ऑफ पीपल और थिंग्स। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, विशेषण ऐसे होते हैं जो किसी चीज या लोगों के साइज को बताते हैं कि उनका साइज कैसा है। जैसे अ बिग हाउस, यहाँ बिग जो है वो एडजेक्टिव होगा और वो साइज बता रहा है कि घर कैसा है, वो बड़ा है। अ लॉन्ग ब्रिज, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, यानी ये बता रहा है कि ब्रिज पुल कैसा है, लंबा है। टाइनी फीट, यानी पैर जो है वो छोटा है। अ लार्ज आर्मी, ये भी साइज बताता है कि आर्मी है उसका साइज कैसा है, लार्ज है, बड़ा है। अ हाई माउंटेन, माउंटेन है उसका साइज कैसा है, हाई है, ऊंचा है। वैसे ही बिग हैंड्स, अ ह्यूज शिप, ए शॉर्ट मैन, अ शॉर्ट स्कर्ट, अ टॉल बिल्डिंग, अ थिन बॉय, लॉन्ग ट्राउजर्स। ये जितने भी आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है काले अक्षरों में, वो सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि साइज बताते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सम एडजेक्टिव्स टेल अबाउट द कलर ऑफ थिंग्स। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो किसी चीज का कलर बताते हैं, रंग बताते हैं कि वो किस कलर का है। जैसे अ रेड कारपेट, इसमें एडजेक्टिव्स होगा रेड, बता रहा है कि कारपेट जो है, चटाई जो है वो लाल है। अ ग्रे सूट, अ ब्राउन बियर, अ वाइट स्वान, एन ऑरेंज बैलून, ग्रीन पेपर्स, अ ब्लू यूनिफॉर्म, अ येलो रिबन्स, ब्लैक शूज, ये सारे जितने भी है वो कलर बताते हैं। ब्लैक, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ब्राउन, ग्रे, रेड, ये सारे क्या है, कलर है, और ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है, सम एडजेक्टिव्स टेल व्हाट पीपल और थिंग्स आर बाय डिस्क्राइबिंग देयर क्वालिटी। और कुछ एडजेक्टिव्स है बताते हैं कि कोई चीज या कोई लोग का क्वालिटी क्या है। जैसे अ ब्यूटीफुल वोमेन, ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है कि औरत कैसी है, सुंदर है। अ यंग सोल्जर, यानी कि सैनिक कैसा है, यंग है, जवान है। अ फ्लैट सरफेस, जो सतह है वह कैसी है, फ्लैट है, ये क्वालिटी बताते हैं। वैसे अ हैंडसम बॉय, अ ओल्ड अंकल, अ हॉट ड्रिंक, अ पुअर फैमिली, ए काइंड लेडी, अ कोल्ड वाटर, यहाँ जितने भी बोर्ड में लिखे हुए हैं वो सारे क्वालिटी बताते हैं किसी चीज या लोगों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सम एडजेक्टिव्स टेल व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ। कुछ चीजें बताती है कि वो चीज किस चीज से बनी हुई है। दे रेफर टू सब्सटेंस, वो उसके पदार्थ बताते हैं। जैसे अ प्लास्टिक फोल्डर, यह बता रहा है कि वो फोल्डर किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का। अ स्टोन वॉल, वो दीवार किस चीज की बनी हुई है, स्टोन, पत्थर की। अ क्ले पॉट, वो बर्तन किस चीज का बना हुआ है, क्ले का। वैसे ही अ पेपर बैग, अ मेटल बॉक्स, अ ग्लास डोर, अ कॉटन शर्ट, अ सिल्क ड्रेस, तो ये जो कहलाते हैं वो सब्सटेंस दर्शाते हैं कि कोई वस्तु किस चीज की बनी हुई है, ये भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सम एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम पेपर प्रॉपर नाउन्स ऑफ प्लेस, दीज एडजेक्टिव आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। और कुछ एडजेक्टिव ये दर्शाते हैं कि कोई नाउन किस चीज से संबंधित है या वो कहाँ पे बनी हुई है, उनका ओरिजिन, उनका उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे अ मैक्सिकन हैट, ये टोपी है, टोपी की शुरुआत ओरिजिन कहाँ से हुई, मैक्सिकन, मैक्सिको एक देश है आप जानते होंगे। ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर कहाँ का है, ब्रिटिश है। अ फ्रेंच फ्लैग, ये झंडा फ्रेंच है। अ जापानीज लेडी, अ इंडियन टेम्पल, अ इटालियन कार, ये जो है वो ओरिजिन बताते हैं कोई वस्तु की किस जगह से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंटेशन, रीड द पिक्चर स्टोरी, एक स्टोरी दिया है, पिक्चर स्टोरी उसके बारे में पढ़ते हैं। सिडनी इज अ लार्ज ऑस्ट्रेलियन सिटी विद बिजी स्ट्रीट्स एंड एक्सपेंसिव, यहाँ पे बिजी स्ट्रीट, जहाँ की गलियाँ हमेशा बिजी रहती है, व्यस्त रहती है, एंड एक्सपेंसिव शॉप्स, और वहाँ के दुकान जो है काफी महंगे होते हैं। इन समर इट इज अ वेरी हॉट प्लेस, और गर्मी में ये काफी गर्म जगह होता है। पीपुल वियर कूल क्लोथ्स एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, और जो लोग वहाँ के होते हैं वो ठंडे कपड़े पहनते हैं, यानी सूती कपड़े पहनते हैं जो ठंडे के दिनों, जो गर्म के दिनों में पहना जाता है, जो शरीर को ठंडा रखे। एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, और वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं।
देयर आर ब्यूटीफुल सैंडी बीचेस वेयर पीपुल कैन रेस्ट एंड लुक अप एट द वाइड ब्लू स्काई, और वहाँ पे सुंदर सैंडी बीचेस यानी बालू वाला बीच किनारा, समुद्री किनारा है, वेयर पीपुल कैन रेस्ट, जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, एंड लुक अप एट द वाइड ब्लू स्काई, और ऊपर वाइट ब्लू स्काई देखते हैं, नीले आसमानों को निहारते हैं। देयर आर बिग पार्क फॉर टूरिस्ट टू विजिट, और वहाँ पे बड़े बड़े पार्क भी है जहाँ पे टूरिस्ट जो पर्यटक है जो घूमने जाते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं उन्हें देखने। ठीक है, लास्ट देखते हैं, जापानीज टूरिस्ट लाइक टू सीट एंड वॉच अदर पीपुल, और जापानीज टूरिस्ट जो पर्यटक होते हैं वो बैठना पसंद करते हैं और लोगों को देखना पसंद करते हैं। ब्रिटिश टूरिस्ट टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द स्ट्रेंज प्लांट्स एंड कलरफुल बर्ड्स, और जो ब्रिटिश टूरिस्ट है जो ब्रिटेन से आते हैं जो लोग घूमने, वो लोग फोटोग्राफ लेते हैं स्ट्रेंज प्लांट्स यानी जो प्लांट्स अजीब होते हैं, अनोखे होते हैं, उन प्लांट्स का फोटो लेते हैं एंड कलरफुल बर्ड्स और रंगीन चिड़ियों के भी। ठीक है, ये एक स्टोरी था। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जो स्टोरी में था उसी से क्वेश्चन आंसर देखना है। विच वर्ड डिस्क्राइब द सिटी सिडनी, कौन सा वर्ड सिडनी को डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ देखिए, लार्ज ऑस्ट्रेलियन सिटी, यह हम लोग लिख देंगे लार्ज ऑस्ट्रेलियन सिटी विथ बिजी स्ट्रीट एंड एक्सपेंसिव शॉप, यानी यहाँ से हम लोग अ लार्ज ऑस्ट्रेलियन सिटी विथ बिजी स्ट्रीट्स एंड एक्सपेंसिव शॉप्स, इतना हम लोग लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू पीपल वियर इन सिडनी, सिडनी में लोग क्या पहनते हैं, अभी हमने बात किया था उसके बारे में। हाँ, पीपुल वियर कूल क्लोथ्स एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, तो ड्रिंक का तो लिखना नहीं, हम लोग लिखेंगे यहां से पीपुल वियर कूल क्लोथ्स। ठीक है, यहां इतना हम लोग लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु टेक फोटोग्राफ ऑफ स्ट्रेंज प्लांट्स एंड कलरफुल बर्ड्स, प्लांट्स और बर्ड्स के फोटो कौन लेते हैं? तो यहां था ब्रिटिश टूरिस्ट्स, तो यहां हम लोग आंसर में लिख देंगे ब्रिटिश टूरिस्ट टेक फोटोग्राफ ऑफ स्ट्रेंज प्लांट एंड कलरफुल बर्ड्स, इतना नहीं लिखना है तो बस हम लोग ब्रिटिश टूरिस्ट भी लिख देंगे तो हमारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन फ्रॉम द स्टोरी, अब इस एक डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव को ऐड करना है जो कि स्टोरी में दिया है। प्लेस, प्लेस के बारे में क्या दिया था, हाँ तो प्लेस के बारे में आप लोग देख सकते हैं होट प्लेस, तो हम लोग आगे इसके ऐड कर देंगे, प्लेस के आगे लिखेंगे होट, एच ओ टी आप लोग लिख लेंगे। क्लोथ्स, क्लोथ्स के बारे में क्या दिया था, तो कूल क्लोथ्स देख सकते हैं, तो हम लोग क्लोथ्स के आगे कूल लिख देंगे। थर्ड में था सैंडी बीचेस, सैंडी बीचेस के आगे कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड था, ब्यूटीफुल, तो हम लोग उसके आगे ब्यूटीफुल को ऐड कर देंगे। स्काई, स्काई के पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड था ब्लू, तो ब्लू लिख देंगे। पार्क्स, पार्क्स का देखते हैं तो यहाँ बिग, देयर आर बिग पार्क्स, तो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड था बिग, यानी पार्क कैसा है, बड़ा है, तो हम लोग बिग को ऐड कर देंगे पार्क्स के पहले। प्लांट्स, प्लांट्स में क्या था, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी होता है अनोखा, अजीब, तो प्लांट्स के आगे हम लोग स्ट्रेंज को ऐड कर देंगे। और बर्ड्स, बर्ड्स के लिए आप लोग देख सकते हैं कलरफुल बर्ड्स, ओके ये इसके आगे ऐड कर देंगे। आगे हम लोग और इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।